ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेटर, द कोऑर्डिनेटर जो है हमारे, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स आर देयर। कोऑर्डिनेटर्स हम कहते हैं कि इनको है विच हैव फोर साइड्स। ठीक है, अगर फोर साइड्स हैं तो आप उनको कोऑर्डिनेटर के नाम से बोलते हो, दो सर कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर की भी कई सारी टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज रेक्टेंगल, जो सबसे ज्यादा आपका कॉमन भी है रेक्टेंगल। ठीक है, ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो ये प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो इक्वल होती हैं। सेकंड, डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। थर्ड थिंग दैट डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फोर्थ थिंग दैट साइड्स, सॉरी, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ठीक है, जो एंगल्स इसमें बनते हैं वो सारे के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। तो ये मेन प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, रेक्टेंगल की, जो हमें पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल में ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं आपको, तो डायग्रामेटिकली अगर हम बात करें, दिस इज राइट एंगल और इसकी हर एंगल जो है वो 90 डिग्री के है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, एंड इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। सो वी कैन से दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड द सेकंड, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। ठीक है, एंड जो डायगोनल्स हैं इसके, डायगोनल्स जैसे ये डायगोनल्स हम बोलते हैं, और इधर से डायगनल्स अगर देखें तो ये वाला डायगनल्स है, तो जो डायगनल्स है वो आपस में तो इक्वल होते हैं, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर, मींस दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, ये आपस में बराबर होते हैं, एंड दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट, ऐसे कर। ठीक है, तो ये सारा यहाँ प्रॉपर्टीज है इसका नाम, जैसे अगर ए बी सी एंड डी, और ये डायगनल्स जो आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं ओ पे है। तो फर्स्ट थिंग मैंने लिखी यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इट मींस ये हो गया इसका मीनिंग कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये चीज है। सेकेंड मैंने लिखा है डायगनल्स आर इक्वल, सो यू कैन राइट ए सी इज इक्वल टू बी डी। थर्ड, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, एंड फोर्थ, ईच एंगल इज 90 डिग्री, मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, All these are of 90. ठीक है, तो ये डायग्राम के साथ ये मैंने साफ नहीं है, इसमें मेंशन कर दिया है, these six are there. Now next property की बात करते हैं। अगर हम इसमें next जो आपको है that is square. तो squares में क्या है? First थिंग हम कह देते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी में, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल,
Second, diagonals are also equal. Third, all angles are 90 degree. And one thing that diagonals bisect each other at right angle. ठीक है, जो diagonals हैं वो एक दूसरे को bisect भी करते हैं और वो भी right angle पे bisect करते हैं. जैसे मान लो ये जो है मेरे पास square है, one side is this one, second side is this one. So this name is A, B, C and D. These all angle are 90 degree. ये 90 degree भी है और ये bisect भी कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब बराबर भी है. और एक जो sides हैं वो अपने आप में बराबर. So this is a property of square. द लास्ट जो मेनली हमें चाहिए एक और कोऑर्डिनेटर जिसकी हमें इस में जरूरत पड़ेगी, दैट इज रोम्बस. रोम्बस में क्या है, नो डाउट ऑल साइड्स आर इक्वल ही होते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम स्क्वायर वाली, सेम एज स्क्वायर वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है. सेकंड also same, नहीं second same नहीं होती, बस यही एक change है इसमें कि diagonals are not equal. diagonals equal नहीं होते. third property भी इसमें नहीं लगेगी जो हमने square में लिखी, means all angles are 90 degree, ये भी नहीं होता इसमें. fourth property is okay, यानी diagonals bisect each other. So these are the main property which you should remember for this chapter. ठीक है, ये chapter आपको इसमें help करेगा with the using of these properties. ये property पे, ठीक है, मतलब जी आप square दे विच ते rhombus दे विच आप difference जे दसना है ता main difference यही है कि इन्दे diagonals जेडे ने equal होंदे ने but rhombus ते diagonals equal नहीं होंदे. ठीक है, so this is the main property which you should remember. बाकी दोनों दे विच कोई खास difference नहीं है, both are the same. The difference is only here that the diagonals are equal in the case of square, but in the case of rhombus they are not equal. ठीक है, okay. Now the question first, देखो अपनी 8.1 जेडी पार्टी exercise है. इस एक्सरसाइज दी जेडी 8.1 है उच्च सानू की गिवन है, कहिंदा एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13. अपने कोल जेडे ने तीन चार एंगल्स इत्थे ऑलरेडी गिवन है ते चारों किसे क्वाड्रिलेटरल दे ने. ते जद भी रेशियो गिवन हुंदी है मैं हमेशा तानू कहना हुंदा, जे तानू याद होवे ते मैं कहना हमेशा कि जे रेशियो गिवन है देन ऑलवेज टेक एक्स विद दैट. बस इधर x लगा दो या कोई वेरिएबल y लगा दो, कोई भी सेम वेरिएबल लगा दो. सो इट मींस वी कैन से दैट अपने को जो रेशियो गिवन है वो रेशियो गिवन है 3:5:9:13. ऐसे करके अपन ने जोड़ी है रेशियो गिवन है एंगल c. तो हम अपन इन दे च लिख सकते हैं कि एंगल a नु अपन लेट कर लेते हैं. लेट एंगल a इज 3x, angle B is 5x, angle C is equal to 9x, the angle D is equal to 13x. आपने कुल angles आगे नहीं देखे, angle A, angle B, angle C, the angle D अपने कुल है. The quadrilateral तालु पता है कि in the case of quadrilateral, the sum of the angles is always 360. सारे ही angle का जरा sum है. 360 degree होता है. So it means we can write here that angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360. जब सारा sum करांगे
दैट विल बी 360. एंगल ए दी वैल्यू किन्नी है अपने कोल 3x, एंगल बी दी वैल्यू किन्नी है अपने कोल 5x, एंगल सी दी वैल्यू किन्नी है 9x, एंगल डी दी वैल्यू किन्नी है 13x, एंड दैट होल इक्वल टू 360. ठीक है, इना सब उसे प्लस कर देने हैं फिर 5 से 8 17 13 30 30x इज इक्वल टू 360. तो फिर x बराबर किया होगा 360 डिवाइडेड बाय 30, 0 ना 0 कैंसिल, इतनी भी कैंसिलेशन करांगे 12 आ जाएगा. तो x की वैल्यू 12 आ गई है. जी x 12 आ गया तो एंगल ए कितना अपने को होएगा फिर 3 इनटू x. तो x 12 है सो इट विल बी 36. एंगल बी इज इक्वल टू 5x सीगा सो इट विल बी 5 इनटू 12 60 डिग्री. एंगल सी इज इक्वल टू 9x, सो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 12 है सो इट बिकम 108. एंगल डी इज इक्वल टू 13x, दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 12 एंड मल्टीप्लाइड इट बिकम 156. ठीक है, तो इस तरीके ना अपने को चारों जो एंगल्स ने वो अपना फाइंड कर लेने. ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन तो पहला आप इनकी जो है क्वेश्चन नो रीड करते हैं. क्वेश्चन कहता की है सानू, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिर जो है सी इस क्वेश्चन नो सिंपलीफाई करा. क्वेश्चन कहता पे सानू, कहता है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. अपने को एक पैरेललोग्राम है, पैरलोग्राम दे विच ए कहिंदा पिया कि इस पैरलोग्राम दे डायगनल्स आपस च इक्वल है. सिर्फ सानू उन्हें इन्ना कहता कि पैरलोग्राम है ते पैरलोग्राम दे डायगनल्स आपस दे विच इक्वल. आपां इह प्रूफ करके दिखाना है इस क्वेश्चन दे अंदर कि दिस इज अ रैक्टेंगल. तो रैक्टेंगल दा मतलब सिर्फ तुसी आ प्रूफ करके दिखाना है कि आ एंगल जिहड़े ने इहदे कॉर्नर वाले these are 90 degree, क्योंकि बाकी सारी properties ता parallelogram दी जड़ियाँ बोलियाँ ने जो हुंदियाँ ने वही rectangle दिया होंगी. बस पर किन्ना वा parallelogram ते rectangle दे विच इत्थे angle जड़ा है वो 90 degree दा जड़ा है वो हुंदा वा. ठीक है, parallelogram चे दा ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता. ठीक है, सो अपने को ले parallelogram है A B C and D. सो फर्स्ट ऑफ ऑल असी लिखते होने जो टू प्रूफ असी जो प्रूफ करके दिखाना है की प्रूफ करके दिखाना है इन्दे चे कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. ये असी प्रूफ करके दिखाना है इस क्वेश्चन दे अंदर. नाउ टू प्रूफ गिवन अपन इन्दे चे गिवन की है अपन गिवन इन्दे चे ये है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. ये सानू ये क्या क्वेश्चन चे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है. देखो जे पैरेललोग्राम है इट मीन्स ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स बराबर होंदियां ने. ठीक है, याद रखना है पैरेललोग्राम दी प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम दे विच ऑपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होंदियां ने. इट मीन्स आई कैन राइट ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी is equal to AD. ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ. AC is equal to AD. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਗਨਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ that A, B, C, D ये सारे angle 90 degree देने. बस आ गल एक असी होर प्रूव करके दिखानी है then साड़ा question पूरा हो जाएगा. ठीक है, so given मैं लिख लिया जो मैंने given सीगा to prove. now construction दी लोड नहीं है, सीधा proof शुरू करन जा रहे हैं असी. ते proof करन दे लई first of all अपा इन दे चे की कर दे पे हाँ के दो ट्रायंगल असी इन्दे च लैने, दो ट्रायंगलां नूं असी कॉन्ग्रेंस प्रूफ करके दिखाना है.
ठीक है, दो ट्रायंगल जड़े ने अपने कोल उन्हां नूं असीं कॉन्ग्रेस प्रूफ करके दिखावांगे। एक ट्रायंगल जड़ा है अपने कोल असीं जड़ा यूज करना वा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। असीं आ दो ट्रायंगल यूज करन जा रहे हैं, ठीक है। इन दो ट्रायंगल नूं असीं जो है प्रूफ करके दिखाना है कि दे आर नहीं एक मिनट ए बी सी दे नाल ए बी डी लो ए नहीं ठीक है ना मैं होना नहीं है ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल जो असीं लेना वो ए बी डी लेना ए डी सी आर ट्रायंगल दूजा ट्रायंगल है ए बी डी आर ट्रायंगल आ दो ट्रायंगल ਨੂੰ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 7 ਚੈਪਟਰ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਏ ਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ ਸੀ ਸੋਰੀ ਬੀ ਏ ਡੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਏ ਬੀ ਡੀ ਓਕੇ AD is equal to BC ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ AD ਹੈ ਉਹ BC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ this side is equal to this side so you can write here AD is equal to BC reason ਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ABCD ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ सेकेंड आपां इहदे च की कह सकते हैं दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी ये भी कह सकते हैं आपां इहदे च क्योंकि ये गिवन है सानू पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो इनके डायगनल्स आपस दे विच इक्वल ही होंगे सो ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड थर्ड थिंग दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए बी साइड दोनों ट्रायंगल दे विच देखो आंदी पई है इट मीनस ए हो गया अपने कोल कॉमन ठीक है so therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD and the reason will be by SSS ठीक है तो SS congruency ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਮੀਨਸ ਆਈ ਕੈਨ ਰਾਈਟ that angle A is equal to angle B and the reason will be by CPCT CPCT ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ angle ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ equal ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ so now you can write here since AD is parallel to BC AD ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ BC ਦੇ parallel ਹੈ therefore angle a plus angle b is equal to 180 degree je tanu yaad hove main kya vi siga ke do line jado aapas vich parallel hundiyan ne e transverse line teji te ja rahi hai te na same side wale angle da sum hamesha 180 degree hunda bas main vi ohi property itthe laga de so angle a plus angle b is equal to 180 angle a di than te apa angle b likh sakde ha so angle b plus angle b is equal to 180 degree angle b plus angle b 2 angle b that is equal to 180 degree so angle b is equal to kya aayega apne kol 180 divided by 2 simplify 90 degree ta angle b jada hai usdi value apne kol kinni aa gayi 90 degree je angle b 90 aa gaya hai isda matlab a hoya ki angle a bhi 90 hoega क्योंकि दोनों आपस के बीच इक्वल ने सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री हेंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इनका मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है सर ठीक है सो
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड की अपने को कहते हैं, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो उन्हें सानू क्या, एक साडे कोल क्वाड्रिलेटरल है ते इस क्वाड्रिलेटरल दे जिहड़े डायगोनल्स ने ओ एक दूजे नू राइट एंगल ते बाइसेक्ट करदे पए। इनदे जिहड़े डायगोनल्स ने ए एक दूजे नू राइट एंगल ते बाइसेक्ट। सो इनका नाम उपर रख देने इन्हे चो ए बी सी ते डी। उन्हें की क्या सानू कि इन्हें ये डायगनल्स नहीं हुए दूजे नू राइट एंगल से बाइसेक्ट करते हैं। मैंने उन्हें दो वर्ड यूज कितने ने, एक उन्हें क्या है राइट एंगल, दूजा उन्हें वर्ड यूज किता बाइसेक्ट, दो वर्ड यूज कितने ने। सो इट मीन्स आप इन्हें जी कह सकते हैं जी आ वाला पॉइंट ओ है तो दिस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। आ चीज सानू उन्हें क्वेश्चन दे विच कही हुई है, जो क्वेश्चन ने गिवन है वो आपां नू गिवन है। की गिवन है, एक तो दे बायसेक्ट ईच अदर यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, तो दूजा आपां नू उन्हें कहा कि दे आर बायसेक्ट एट राइट एंगल, ते सारे एंगल 90-90 डिग्री दे अपने कोल हुंदे। सो आ दो गल्लां इस क्वेश्चन नू लैके हैगियां ने अपने कोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी की करना है इस क्वेश्चन दे लिए, अपन नु सेम ओदा ही गिवन वगैरह जो अपन नु है वो लिख लो अपना। फर्स्ट अपन नु इंदे च गिवन है एंड गिवन क्या है अपन नु इंदे च दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड थर्ड ईच दे आ वाले एंगल अपने को जेडे बायसेक्ट वाले एंगल ने दे आर राइट एंगल्स। ठीक है, सो आप इन लिख सकते हो, तुम नाम रखना नाम भी रख सकते हो, इन कह देना मैं एंगल वन कह देना वा। ठीक है, आ वाला एंगल टू कह दें आप, दिस इज एंगल थ्री एंड दिस वन एंगल फोर। ठीक है, वन टू थ्री फोर अपने को जरा है इदा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਐਂਗਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਂਗਲ ਵਨ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਟੂ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਥਰੀ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਫੋਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਟੂ ਪਰੂਫ, ਕੀ ਪਰੂਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਪਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਟ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਇਜ रोमबस। हुण रोमबस की प्रॉपर्टी की सी, देखो रोमबस की प्रॉपर्टी मैं तुम लिखवाइया सेम है स्क्वायर, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइडा बराबर होंदिया ने, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, डायगनल्स बराबर नहीं होंगे ने बट दे बायसेक्ट ईच अदर। आ वाली प्रॉपर्टी देखो, डायगनल बायसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, आ प्रॉपर्टी तुहाडे कोल हैगी है। ठीक है, दूजी प्रॉपर्टी अपने कोल जिहड़ी है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਪਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਹ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ओके। सो ए बी सी डी रोमबस ये असी प्रूफ करके दिखाना है, तो इनके लिए अपना बस ये प्रूफ करना है इनडायरेक्टली, मैं जो थानू कह तो असी आप प्रूफ करके दिखाना दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। आ चीज असी प्रूफ करके दिखानी है इस क्वेश्चन से, साडा टारगेट सिर्फ आ वा, इन्ना असी प्रूफ करके दिखाना है क्योंकि आ सारा तो सानू गिवन है ही ऑलरेडी स्क्वेयर की प्रॉपर्टी दे विचों दी, सिर्फ आ तुसी होर प्रूफ करके दिखाना है कि इनकी जिहड़ी सारी साइडां ने ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
इक्वल है यानी ए असी इस दे विच बस प्रूव करके दिखा ठीक है। सो इन दे लिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं प्रूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन दे च लैन जा रहे हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ए ओ बी ते सी ओ डी ले सी ओ डी ऑपोजिट वाला ज्यादा आसान होगा ए ओ बी ते सी ओ डी एवे करके ठीक है। सो इन्हें चप्पा की लिख सकते हैं बड़े आराम ने देखो तुम साफ दिखता पाया कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड यानी कि आप लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी दिस इज गिवन। सेकेंड देखो आ सेंटर वाला एंगल इससे बराबर है यानी एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर रीजन ईच 90 डिग्री ये भी अपन गिवन है ऑलरेडी। ते इस तो बाद आप लिख सकते हैं इन्दे विच OB is equal to OD and this is also given ये भी सानू given है। So therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by SAS आप इत्थे जिहड़ी लगानी property that is SAS property लगेगी अपने को एक साइड फिर एंगल फेस साइड अपन आ चीजा गिवन है। सो एस ए एस प्रॉपर्टी थ्रू ए आपस दे विच इक्वल हो गया जे आप इन्हों दोनों ट्रायंगल नू ए वाले ट्रायंगल नू ते आ वाले ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करता तो असी पढ़िया इन्हों दे कोरस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंदियां ने मीनस आई कैन राइट हेयर दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी डी दिस थिंग इन नंबर वन देखिए इतनी चल हूँ इन द सेम वे ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਨਾਓ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿਸ ਏ ਓ ਡੀ ਐਂਡ ਬੀ ਓ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਓ ਡੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੀ ਓ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਏ ਓ ਡੀ ਐਂਡ ਬੀ ਓ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓ ਏ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓ ਸੀ ਗਿਵਨ ਦੈਨ ਐਂਗਲ ਵਨ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਵਨ ਟੂ ਥ੍ਰੀ ਦੈਟ ਇਜ ਈਚ 90 ਐਂਡ उस तो बाद अपने को आज OB AOD OD is equal to OB that is again given so therefore triangle AOD is congruent to triangle BOC and the reason is by SAS same बिल्कुल होता ही and therefore AD is equal to BC by CPCT they are equal dono hi aapas vich jehde ne oh equal ho jande ne by CPCT di help de naal dono aapas de vich equal ho jande theek hai enu apa keh denne ha equation number 2 okay now further move hun apne kol inde ch ki hai apa haje sirf inna proof kita hai ke inna diyan opposite sides equal ne yani ki aa side ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਰੂਫ ਕਰਤੀ ਆਹ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਪਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟਸ ਲਏ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚ ਆ ਵਾਲਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚ ਆ ਵਾਲਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕਣਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਜਸੈਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜੇ ਐਡਜਸੈਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇੱਥੇ AOD
ट्राइंगल ए ओ डी ते दूजा ट्राइंगल सीगा इन्दे जे सी ओ डी आ मैं सामने नाल दे दे ले रहा ट्राइंगल सी ओ डी आ दो ट्राइंगल ले लेने और इन्हां नूं आपां आपस दे विच सिमिलर प्रूव करना ए ओ डी एंड सी ओ डी ट्राइंगल इन्दे जे भी देखो तुसी की कह सकदे हो एक तो असी आई कह सकते ओ ए इज इक्वल टू ओ सी ठीक है तो ईच 90 वाला भी आ जाएगा इन्दे चे अपने को ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इन द रीजन विल बी गिवन एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री ते ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन जिहड़ी ओडी है दैट इज इक्वल टू ओडी कॉमन क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल दे विच आंदा पिया अपने को सो कॉमन हो गया देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस ए एस ठीक है जे दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए देन वी कैन से बाय सीपीसीटी ए डी इज इक्वल टू सी डी सो ए डी जिहड़ा है वो सी डी दे बराबर हो जाएगा So therefore AD is equal to CD and the reason is by CPCT. So in equation number 3 kya do. So now from equation 1, 2 and 3 asi keh sakde ha that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Therefore ABCD is a square. Okay, question fourth apne kol hai, can I show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. ਹੁਣ ਸਾਡਾ question ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਤੀਜਾ question ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੀਜੇ question ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ diagonals ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ right angle ਤੇ bisect ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ diagonals ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ equal ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਦ ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਸੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ The first of all again same thing ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ given so ਇਹਦੇ ਚ given ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ question ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ show that diagonals of square square ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ it means AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ AC is equal to BD to prove ਜੋ ਅਸੀਂ prove ਕਰਨਾ ਹੈ that diagonals are equal to prove the diagram ne ke show that diagonals are equal assi ye proof karna hai ac is equal to bd assi proof karna hai theek hai and bisect each other at right angle dooja assi aa proof karna hai ki oh ek dooje nu bisect vi karde ne te oh vi right angle te bisect karde ne theek hai they bisect at right angle so aa do cheezan jehdiyan ne assi inde ch karke dikhaniyan ne given to prove so now inde ch apan construction di lod nahi hai sidha proof jehda hai oh apan start karan ja rahe hain inde ch so proof de vich apne kol ki hai inde ch that apan first of all again congruency proof karni hai so congruency de layi assi inde ch jo triangle le rahe hain that is triangle A, B, C and triangle
बी ए डी आ दो ट्रायंगल अपन ले आए ए बी सी दिस ट्रायंगल दूसरा मैं ले आया दे चे डी ए डी आ ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल नु सी आपस विच पहला सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी साफ दिखदा पे कि ए बी दोनों दे विच आंदा पया है सो ए बी इज इक्वल टू ए बी दैट इज कॉमन सेकंड अपन इधर लिख सकते हैं दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी क्योंकि दोनों 90 डिग्री ने एंड थर्ड थिंग दैट इज वी कैन राइट हियर बी सी इज इक्वल टू ए डी क्योंकि ए स्क्वायर दी साइड ने साइड ऑफ स्क्वायर सो देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle BAD by ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦੇ ਚ SAS ਬਣੂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਆਈ ਹੈ ਸੋ by SAS ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੂਵਡ ਕਨਗਰੈਂਸ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਗਰੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਨਗਰੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੈਟ AC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BD by CPCT CPCT ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਗਨਲਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਨੇ ਬਾਇਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਓ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓ ਸੀ ਓ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓ ਡੀ ਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ कि आही वाले एंगल सारे 90 डिग्री ने आ वाले ठीक है दीज एंगल आर ऑफ 90 डिग्री ए असी इस क्वेश्चन दे विच प्रूफ करके दिखाना है सो आ दो मेन गल्ला असी इस क्वेश्चन च हुन करके दिखावांगे ठीक है ओके सो फॉर दिस थिंग अपा हुन इन दे चीज जड़ा है ट्रायंगल जेडे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाने आ दैट इज ट्रायंगल ए ओ बी आ ट्रायंगल ठीक है ए ओ बी ट्रायंगल ते दूजा लेना ए ओ डी मतलब एडजेसेंट वाले ट्रायंगल लेने कोई भी एडजेसेंट ले लो चाहे चाहे ए ओ बी दे नाल तुसी बी ओ सी ले लो चाहे ए ओ बी दे नाल ए ओ डी ले लो चाहे ए और डी दे नाल तुसी डी ओ सी लै लो कोई भी दो ट्रायंगल लै लो जिहड़े एडजेसेंट होण उन्हां ट्रायंगल्स नूं असीं हुण जिहड़ा है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाउणा है सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी हुण इन्हां नूं असीं आपस ते कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाउणा है तो एक तां आपां इहदे च आई लिख सकदे देखो दोनों ट्रायंगलां दे विच ए ओ ते ए ओ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਡੀ ਦੋਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਦੈਟ ਓ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OD ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ OB ਹੈ ਉਹ OD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਦੈਟ OB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OD ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਇਸੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOB ਇਜ਼ ਕਨਗਰੈਂਸ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOD ਬਾਈ SSS ਠੀਕ ਹੈ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਤੇ ਉਹ ਕਨਗਰੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਿ ਐਂਗਲ ਦਿਸ ਐਂਗਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਐਂਗਲ 2 ਐਂਗਲ 3 ਐਂਗਲ 4 ਸੋ ਐਂਗਲ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 2 ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ by CP
सी टी बाय सी पी सी टी थ्रू जिहड़े ने ये आपस दे विच इक्वल प्रूफ हो गए. नाउ यू कैन सी केयरफुली जे ध्यान नाल देखो आ लाइन स्ट्रेट जांदी पई है स्ट्रेट लाइन ते स्ट्रेट लाइन दे विच आपां पढ़िया होया कि उहनां दे सेम एंगलां दा सम जिहड़ा है यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है जिहनूं असीं लीनियर पेयर भी कह दिंदे हां. ठीक है लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 ते एंगल 1 दी थां ते आपां लिख सकदे हां एंगल 2 प्लस एंगल 2 is equal to 180. So angle 2 plus angle 2 will be 2 angle 2 is equal to 180. Then angle 2 is equal to 180 upon 2. So it become 90. ठीक है angle 2 90 आ गया. Similarly सारे ही angle अपने जड़े ने 90 हो जाएंगे. Proof करने की लोड़ नहीं है. Similarly angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 all are 90 degree. ठीक है एंड हेंस इट इज. यस.